भी यहाँ पे फाइट में आ चुका है और सामने उनकी जो टीम है उनको टेक डाउन करने की कोशिश कर सके हैं। स्काउट यहाँ पे यार, ये ऑरेंज रॉक और टीम सोल की जो बैटल है ना, हर बार ही देखने को मिलती है रैंकल में। ये टीम अलग नहीं होती, एक दूसरे से जुदा नहीं होती। और अभी के लिए स्काउट एडवांटेज दिलाया जरूर है उन्होंने अपनी टीम को नॉक करके, बट वो फिनिश नहीं मिल पाया और अभी के लिए रिवाइव होते नजर आएंगे आपको। यहाँ पे प्लेयर्स मॉबी की पोजीशन रिवील हो चुकी है और यहाँ से बच के निकलना, आई थिंक मैं देखना चाहूंगा कैसा मायाजाल बना रहा है। अभी तो मिनी मैप पे रेड रेड प्लेयर्स नजर आ रहे हैं मुझे सारे के सारे, बिल्कुल ट्रैप बनाया हुआ है। जय और वीरू की अगर आप बात करें तो सामने से मवी अपने ऊपर एयर ट्रांसफर करवा रहे हैं, बट फ्लैंकर का रोल अदा करते हुए स्काउट की अगर आप पोजीशनिंग की बात करें तो बहुत ही बढ़िया एंगल यहां पर स्काउट ने जरूर से बना दिया। एंगल देखिए आप, यहां पर आदित्य पीछे जा रहे हैं, उधर से वाइपर ने भी यहां पर, तो जिस बरमूडा ट्रायंगल की हम पहले बात करते थे जो वाटर सिटी के इर्द गिर्द बनता था, वो अब वाटर सिटी के आसपास नहीं है, बट हां बाकी जो ओपन रीजन है वहां पर जरूर से आपको मिलता हुआ देखने को हो जाएगा। मुश्किल है अभी के लिए ओपनिंग निकालना, यहाँ से इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। मीनवाइल जो तीन टीम्स का क्लैश करके दिखा पाएंगे, 420 ओपी के पास अगर देखें तो उसी यहाँ पे अभी भी है, लेकिन वापस चलते हैं टीम सोल के पास। वैक्सी को गवा चुके हैं, गिल की एचपी बहुत कम है और अगर उनको भी यहाँ पे प्रेशर में डाला गया, पुश करा गया, वो भी बैकफुट पे जा सकते हैं। देखिए फिनिश पॉइंट कोई नहीं आया, वाइपर को ऑफ गार्ड पिक किया गया है, इसका मतलब रिवाइवल तो अब वाइपर के लिए इतना ज्यादा आसान रहेगा नहीं। हाँ अगर मवी यहाँ से रिस्क लेकर जाते हैं तो जरूर से मौका बन सकता है। प्रेडिक्टेड फायर्स की आप बात करें तो मवी यहाँ पर काफी तेज काफी तरार, जानते हैं कि उस रॉक के पीछे एक हार्ड कवर के पीछे ड्रेस्ट्रो जरूर सभी के लिए होल्ड करते हुए। मीनवाइल आदित्य, ये सारी टीम्स के जो प्लेयर्स है टीम सोलर ऑरेंज रॉक की अगर आप बात करें तो सारे स्प्लिट वर्सेस स्प्लिट की फाइट में बॉट है। इट्स नाउ गिल वर्सेस स्काउट, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्री फायर देते हुए कंसिडर करेंगे वन पॉइंट स्कारा लेके, एंड दोनों ही असॉल्टर यहां पर यूज करते हुए। गिल के पास कोई बहुत ज्यादा अच्छा मौका बचता नहीं है, बहुत लो ऑन एचपी हो चुके थे, साथ में जोन का भी डैमेज था। पहला फिनिश पॉइंट यहां पर जरूर से सिक्योर कर जाएंगे स्काउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दूसरा फिनिश पॉइंट यहां पर जाएगा। तो टीम के पास तीन और आदित्य अगर आप देखें तो बिल्कुल अकेले यहां पर फंस चुके, जो रेगल टॉस को भी डाउन कर देंगे। वाइपर को ये ऑलरेडी नॉक कर चुके, तो टैक्टिकली स्पीरो आदित्य अभी एक लेजिट 1v2 की फाइट में इन्वॉल्व है। सिर्फ क्या आज हमें एक और शानदार क्लच देखने को मिल जाएगा, पहले भी देखने को मिल चुके हैं आज के दिन में। तो आदित्य अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, बट अभी के लिए यहाँ पे वाइपर को मेरे ख्याल से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी उनकी पोजीशन अगर आप यहाँ पे देखें, मावी रोटेट करके जहाज उड़ रहे हैं और यहाँ पे दो साइड से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्काउट को, जब मावी आएंगे साथ में जाना फायदा दे सकता है यहाँ पे उनकी टीम को। देखिए उनके पास बग्गी है, चाहे तो बग्गी आगे भगा कर वहां पर कंफ्यूज कर सकते हैं, बट नहीं, आदित्य वहां पर अभी के लिए 1v4 क्लच कर जाएंगे, पूरा का पूरा 1v4 क्लच। और ना सिर्फ क्लच, पीछे से बैक स्टेप आते हुए